हम लोग समाकलन में प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन पढ़ रहे हैं। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन में आपको बताया हमें सोचना पड़ता है कि हम किस फलन को एक नया वेरिएबल माने, और आपकी किताब में जो नया वेरिएबल यूज किया है वो टी यूज किया हुआ है। इसलिए हम ये कुछ प्रश्न है आपकी प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन वाली एक्सरसाइज के, अब वो एक्सरसाइज नंबर आपका 7.2 है, उसके मैंने कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं। आप देखिए पहला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है आपकी किताब का, ये लिखा है 1/(x + x log x)। आप देखिए जो आपने सूत्र पढ़े हैं, क्या कोई ऐसा सूत्र पढ़ा? नहीं पढ़ा, ठीक। तो आप देखेंगे इसका इंटीग्रेशन किस तरह से हम करेंगे। तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो पहले तो इंटीग्रेशन का साइन बना लीजिए, और फलन का नाम x मैंने कॉमन से लिख दिया 1 + log x, नहीं आ रहा होगा व्यवस्थित लिखने की जरूरत नहीं। अब यहाँ दो फलन आ रहे हैं, सोचिए एक तो क्या आ रहा है, x लिखा हुआ है हर में, और ये 1 + log x। इंटीग्रेशन में आप एक बात और ध्यान रख सकते हैं कि इंटीग्रेशन में अपॉन में फंक्शन नहीं होना चाहिए, जनरली एक ही जगह काम करता है 1/(x) टाइप का, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, या तो इस फलन को एक नया वेरिएबल मानेंगे या इसको मानेंगे। तो मैंने ट्राई किया बड़े फंक्शन को, मैंने कहा 1 + log x को टी मान लेता हूँ, देखेंगे कि ये फायदा करेगा या नहीं। तो अब क्या करते हैं, जब टी मानते हैं तो आपको पता है इसका अवकलन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जब इसकी जगह टी रख लोगे तो ये डीएक्स भी बदलना पड़ेगा। ये किसके रसेट में आना चाहिए? अब टी के रसेट में। तो आप समझ रहे हो कि डीएक्स की वैल्यू टी के रसेट में, मींस एक वेरिएबल की वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में चाहिए तो आपको अवकलन ही करना पड़ेगा। तो 1 का अवकलन करेंगे 0 आ जाएगा, लॉग एक्स का अवकलन 1/(x), और टी का क्या जाएगा dt/dx। तो प्रश्न में क्या हो चाहिए, क्या ये जो फलन 1/(x) आया है मेरे पास पहले से है? नहीं होगा तो फिर देखेंगे, है मेरे पास ये 1/(x) मेरे पास पहले से लिखा है तो मेरे काम का है, इसको इधर शिफ्ट नहीं करूंगा मैं। तो ये क्या बन गया, dx/(x) की जगह क्या बन गया, dt। आपने प्रश्न में वैल्यू शिफ्ट किए, ये जो 1/(x) dx लिखा हुआ है इसकी जगह क्या बन गया, dt, और जो 1 + log x लिखा है उसकी जगह t बन जाएगा। तो ये dt/t बन गया। अब याद करिए क्या ये सूत्र था, 1/(x) सोचिए इसको, 1/(x dx, इसका इंटीग्रेशन का सूत्र आपका log x था, x की जगह यहाँ t है, और अभी बताया था आपको मैंने log की वैल्यू हमेशा किसमें लिखी जाती है, मॉड में। तो log ऑफ मॉड, log जिस क्वांटिटी पर अप्लाई हो रहा है वो क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, इसलिए मॉड लिखा जाता है। और t की वैल्यू क्या थी क्वेश्चन में, 1 + log x, तो ब्रैकेट के अंदर या मॉड के अंदर 1 + log x लिख दिया गया। तो इसके इंटीग्रेशन का वैल्यू ये आ गई, ठीक। ऐसे ही आप दूसरा क्वेश्चन देखिए, 4th नंबर का है, sin x into sin of cos x। पहले तो इसका इंटीग्रेशन करना है, तो लिखने का तरीका, इंटीग्रेशन का साइन बनाइए sin x, और दूसरा फलन क्या सोचिए, sin of cos x। तो इस प्रश्न में तो बढ़िया हो गया, सीधे साधे समझ में आ रहा है, फलन हमने sin x या cos x पढ़े होते हैं, तो चलो sin x लिखा है, लेकिन ये तो sin x नहीं है, तो sin of क्या लिखा हुआ है, cos x। तो हम क्या सोच लेते हैं, क्या इसी cos x को t मान के हो जाएगा हमारा, देखते हैं। मैंने cos x को t लिखा, फिर जिसको टी मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, क्यों है करते हैं वो भी समझा दिया। कॉस का अवकलन याद करिए क्या होता था, कॉस का अवकलन -sin x होता था, =dt/dx। क्या जो फलन हमारे पास पहले से है उसमें यह फलन है हमारे पास उपस्थित है, ये देखिए साइन एक्स यहाँ पहले से उपस्थित है, तो इसको शिफ्ट मत करिएगा। तो ये sin x dx का मान कितना आ जाएगा, माइनस को मैं इधर शिफ्ट करा लेता हूं, तो sin x dx की वैल्यू क्या बन गई, तो ये sin x लिखा है और ये dx, इन दोनों की जगह पर क्या वैल्यू आ गई, -dt। और सबसे पहले नहीं लिखा जाता, ये dx या dt लास्ट में लिखने की आदत डालिएगा। फिर जो बचा फंक्शन है, ये तो यूज हो गए, अब ये बचा है sin cos x, और cos x को क्या लिया था आपने, t लिया था। अब क्या बच गया, sin t dt। अब ये सोचिए sin x dx, इसका इंटीग्रेशन का सूत्र आता है, साइन का इंटीग्रेशन याद करिएगा -cos x, एक माइनस पहले से ही है, -cos t, और इंटीग्रेट करने के बाद एक आर्बिट्री कॉन्स्टेंट टर्म, इसलिए ये प्लस का cos t + c हो गया। t की वैल्यू पुट कर लीजिए, t की वैल्यू क्या थी इस क्वेश्चन में, cos x, इसको cos²x नहीं लिख सकते हैं, cos x into cos x होता तो cos²x लिखा जाता, तो इस तरह से ये हो गया। अब अगला देखिए, इसमें लिखा हुआ है sin ax cos x, यहां दो दो फलन है, sin ax + b, cos ax + b। आप देखिए क्या ये कोई सूत्र होता है, जैसा एंगल ये लिखा है वैसा ही एंगल ये भी है, तो sin θ cos θ को हम चाहें तो मैं 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करके 2 sin θ cos θ का सूत्र भी यूज कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, आपके ये साइन एक्स कहाँ है, ये तो ax + b लिखा है, तो आप पहले ax + b को ही टी मान लीजिए। अगर मैं ax + b को टी मानता हूं तो इसका अवकलन a का कॉन्स्टेंट टर्म, x का अवकलन 1 हो गया, b का 0, और t का dt/dx। तो ये कोई कॉन्स्टेंट टर्म है, यहां नहीं भी है तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो dx का मान कितना आ गया, 1/(a dt). तो आप देखिए इसकी जगह 1/(a) यहां लिख दिया मैंने बाहर, क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म है, dt ये लास्ट में लिख दिया। अब मैंने इसको टी माना हुआ है तो ये फलन क्या बन गया, sin t cos t। अब तो शायद समझ में आएगा कि ये सूत्र होता है, तो इसको सूत्र बनाने के लिए साइड में लिख देता हूँ, यहाँ सूत्र क्या होता है, sin 2x का सूत्र होता है आपके पास, या sin 2θ कर देता हूं मैं, sin 2θ का सूत्र होता है 2 sin θ cos θ। आपके पास sin θ cos θ है तो आप इसकी जगह क्या लिख लीजिए, 1/(2 sin 2θ dt, ठीक। फिर आप कहेंगे 1/(2 को बाहर करवा दीजिए, 1/(2a sin of 2t dt,
फिर आप कहेंगे अभी भी तो साइन एक्स नहीं बनाए तो टूटी लिखा हुआ है, फिर टूटी को एक नया वेरिएबल मानना पड़ेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, टूटी को एक नया वेरिएबल यू यूज कर लेते हैं और डिफ्रेंसिएशन करवाएंगे, इसका अवकलन करवाएंगे क्योंकि डीटी बदलेगा इस बार, ये टू हो गया और यू का डी यू बाय डीटी। तो ये इधर शिफ्ट करेंगे तो ये वन अपॉन टू ए पहले से बाहर है और डीटी की वैल्यू क्या बन जाएगी, वन अपॉन टी डी यू, तो सॉरी वन अपॉन टू डी यू, और ये बन गया साइन यू। अब ये सूत्र बन गया, साइन का इंटीग्रेशन, साइन का डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन में कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखिएगा साइन का इंटीग्रेशन माइनस में है, तो ये वन अपॉन फोर ए और साइन का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस यू प्लस सी। लास्ट में वैल्यू पुट करवा दीजिए, पहले यू की वैल्यू कितनी है टू टी, तो मैं इसी का आगे ले देता हूं, माइनस वन अपॉन फोर ए कॉस ऑफ यू, यू की वैल्यू टू टी, फिर टी की वैल्यू कितनी ए एक्स प्लस बी। ये अभी स्टार्टिंग का प्रश्न था तब मैंने तलंबा करवा दिया, अदरवाइज आप देखिए सीधे सीधे मैं क्या कर सकता था, ये दो फलन साइन और कॉस लिखे थे, मैं दोनों में से किसी एक को टी मान लेता, मैं पूरा साइन एक्स प्लस बी को टी मान लेता तो उसका अवकलन ये आ जाता, या फिर कॉस एक्स प्लस बी को टी मान लेता तो उसका क्या आता साइन एक्स प्लस बी। ठीक, अभी मैं दोबारा ऐसे करके भी दिखा दूंगा इसको, लेकिन अभी जो स्टार्टिंग में चल रहा है उसके हिसाब से आप देखिए, मैं कह रहा हूं कि फलन साइन एक्स होना चाहिए, वो एक्स नहीं हो रहा है, दूसरा हो रहा है, तो मैं उस वेरिएबल को टी मान रहा हूं, इसलिए थोड़ा लंबी प्रोसेस हो गई। अगर कठिन लगा है तो अभी देखिए दूसरे तरीके से भी करवाऊंगा, उनको देखिए इतना लंबा ना कर करके, अगर आप समझ रहे हैं यार ये साइन एक्स जैसा तो है ही केवल कॉस वाला, तो हम इसी प्रश्न को जल्दी से इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर आप देखिए मैं साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन करा, तो एक प्रोसेस तो ये बताइए, ये दो स्टेप में गई, लेकिन इसी को एक ही स्टेप में करना चाहते हैं, आप कहते हैं साइन को पूरा मान लीजिए तो साइन का अवकलन कॉस होता है, या फिर कॉस का अवकलन क्या होता है साइन, दोनों में से किसी को भी लेके ये प्रश्न हल हो जाएगा। अगर आपने साइन ए एक्स प्लस बी को टी मान लिया, आप खुद ट्राई करिएगा एक बार कॉस ए एक्स प्लस बी को टी मान के, तो साइन को अगर मैंने टी माना है तो इसका अवकलन क्या होगा, साइन का अवकलन हो गया कॉस ए एक्स प्लस बी, फिर चेन रूल पढ़ा है आपने उसकी वजह से ए भी आ जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा डी टी बाई डी। क्या ये बचा हुआ फलन मेरे पास पहले से है, बिल्कुल है, तो ये इसको अपने साथ रखिए, कॉस ए एक्स प्लस बी डीएक्स, ए आपके काम का नहीं है तो उसको दूसरी तरफ सॉल्व करिए, जो काम का है उसको अपने पास, जो नहीं है उसको दूसरी तरफ। अब क्या बन गया, साइन ए एक्स प्लस बी को तो टी लिखा था और कॉस ए एक्स प्लस बी डीएक्स की जगह क्या बन गया वन अपॉन ए डी टी, वन अपॉन ए कॉन्स्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी, और टी का इंटीग्रेशन आपको आता है कितना हो जाएगा टी स्क्वायर बाय टू, और इंटीग्रेट करने के बाद प्लस कॉन्स्टेंट टर्म, टी की वैल्यू पुट कर लीजिए क्या है वन अपॉन टू ए साइन ऑफ साइन स्क्वायर, सॉरी क्योंकि स्क्वायर में है साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, ठीक, ये प्लस कॉन्स्टेंट टर्म, ऐसी आप कॉस ए एक्स प्लस बी को टी मान के करेंगे तो ये रिजल्ट माइनस वन अपॉन टू ए कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस बी आ जाएगा। दिखने में आपको तीनों रिजल्ट अलग अलग रहे हैं लेकिन थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का यूज करेंगे तो तीनों एक ही रिजल्ट होंगे, ठीक है, तो ये आपको आसान लगेगा लेकिन सिस्टमेटिक वे में चलूंगा तो वो रिजल्ट होंगे, ठीक। ऐसी अब देखिए एक और प्रश्न है आपकी किताब में, रूट ए एक्स प्लस, फिर वही समझिए इसका इंटीग्रेशन करना है तो लिखने का तरीका, इंटीग्रेशन का साइन बनाइए, फलन जो दिया है उसको लिखिए, किसके सापेक्ष करना है एक्स के सापेक्ष, ये तो लिखने का तरीका हो गया। अब फिर वही मैं तो रूट एक्स का फॉर्मूला आना चाहिए, रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर एन का फॉर्मूला आता है, लेकिन ये एक्स तो नहीं लिखा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक नया वेरिएबल टी एज्यूम करवाते हैं, टी लिखा, फिर टी करेंगे तो डी एक्स ही बदलेगा इसलिए अवकलन करेंगे, ए एक्स का अवकलन वन और बी का जीरो इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। तो क्या ये ए हमें यहाँ चाहिए, यहाँ है ही नहीं, तो अपना रहता है दूसरी तरफ शिफ्ट कर लीजिए तो डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी डी टी बाय ए। अब आप शिफ्ट करिए, ए एक्स प्लस बी को टी लिखा था तो ये रूट ऑफ टी हो गया और डी एक्स की वैल्यू क्या बन गई डी टी बाय ए, वन अपॉन ए कॉन्स्टेंट टर्म है, इसको आप समझने के लिए रूट का मतलब पावर वन बाय टू सोचिए। फिर सूत्र याद होगा आपको एक्स की पावर एन वाले, क्या करते थे इंटीग्रेशन में पावर एन वाले में पावर वन ऐड करवाते थे और उसी से डिवाइड करवाते थे। थोड़ा तरीके से लिखेंगे इस रिजल्ट को तो ये क्या बन जाएगा टू ऊपर चल जाएगा टू बाय थ्री ए टी, टी की वैल्यू कितनी है आपके प्रश्न में ए एक्स प्लस बी होल पावर थ्री बाय टू प्लस कॉन्स्टेंट, इस तरह से ये इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएंगे। तो आप देखिए ज्यादातर मैं किसको टी मान रहा हूँ, जहां मुझे लग रहा है यार ये एक्स होना चाहिए और उस एक्स की जगह मैं एक नया वेरिएबल टी एज्यूम करवा दे रहा हूँ, ठीक है, आगे को और प्रश्न करेंगे।